हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारे पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, हमने इससे पहले बात की टीसीपी प्रोटोकॉल की, जो कि हमारे काम आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अब यूडीपी का देखते हैं तो इसमें क्या है कि यह क्या होता है, इट इज ए कनेक्शन लेस। यानी कि जो टीसीपी था वो क्या करता था, पहले थ्री हैंड शेकिंग करता था, उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड होता था और फिर वो डेटा ट्रांसमिट करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली डेटा सेंड होता है, कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका जो हेडर है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो डेटा होता है उसमें जो यूडीपी होता है उसको क्या कर देते हैं, हम यूडीपी हेडर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इस यूडीपी हेडर में क्या क्या होता है, ये हमारा क्या है, डेटा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटा है। और ये क्या है, हमारा सोर्स पोर्ट है। सबसे पहले तो सोर्स पोर्ट का मतलब है कि जो हमारा पोर्ट संख्या पोर्ट है उसका एड्रेस। ठीक है, जो हमारी सोर्स पोर्ट है उसका एड्रेस, और डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस। यानी कि अगर हम इसी को हम नेटवर्क के लेयर में यूज करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, सोर्स एड्रेस, और इधर क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि वहां पर हम नेटवर्क में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर रहे इस टाइम। और हमारे यहाँ पर लेंथ देखते हैं, तो ये लेंथ होती है हमारी, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 16 बिट्स की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 16 बिट। अब बात करते हैं चेकसम की। तो चेकसम क्या होता है, हमारे एरर डिटेक्शन में काम आता है। तो हम यहाँ पर आते हैं वापस से। अब देखते हैं जो यूडीपी होता है वो क्या होता है, अनरिलायबल होता है। यानी कि जो डेटा सेंडर ने भेजेगा वह, यह जरूरी नहीं है कि वह रिसीवर के पास पहुंचेगा ही, क्योंकि यह अनरिलायबल होता है। और जो टीसीपी होता है वो क्या होता है, रिलायबल होता है। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो यह किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि जैसे भेजेगा वैसे जाएगा, या आगे पीछे कैसे भी आ सकता है। ठीक है, चेकसम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वहां पर देखते हैं हम यूडीपी हेडर प्लस यूडीपी डेटा प्लस सूडो हेडर ऑफ आईपी। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसको चेकसम को कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं यूडीपी के जो एप्लीकेशन उनके बारे में। तो ये कहाँ पर यूज होता है, क्वेरी रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि हमने गूगल पर कुछ सर्च किया, एक क्वेरी दी और फिर एक आउटपुट। ठीक है, वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई। और फिर स्पीड के मामले में, जैसे ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें हमें थोड़ी सी भी डिले नहीं चाहिए, तो वहां पर इनका यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि ऐसी जगह पर जिनको हम पर्टिकुलरली जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, जितने भी डिवाइस कनेक्ट है उन सभी को क्या करते हैं, हम मैसेज सेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग। रहता है कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग, इसमें कहता है कि जैसे कि हमने स्काइप और यूट्यूब का यहाँ पर एग्जाम्पल है, इनमें हमको क्या चाहिए कि जितना भी डेटा है उतना ही कम है, यानी कि इनमें थोड़ा सा भी डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।